स्टार्ट शोइंग टू आवर व्यूअर्स, ये हमारा फास्टेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा बिकता है जी, राइट? बिल्कुल जी, बताइए सर, ये हमारा टू सीटर है, थ्री सीटर है एंड टू सीटर है जी, इनके साथ सेंटर टेबल है इंक्लूडिंग विथ टू साइड टेबल। अच्छा ठीक है, मतलब सेट को आप सेंटर टेबल के साथ बनाइए या अलग अलग, थ्री प्लस टू प्लस टू, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है या स्पेस है आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, ये भी सर जो अभी पीछे मैंने बात की मोटी कार्विंग, आप कह रहे हैं मोटी कार्विंग है या मोल्ड में ऐसा है, ये कुछ कुछ ये मोटी कार्विंग में ही आता है सर ये। अच्छा, जो लोगों को डिजाइन ऐसा है, इसलिए डिजाइन ही ऐसा है क्योंकि कई लोगों को मोटी कार्विंग ही अच्छी लगती है। राइट, तो मोटी कार्विंग होगी, यू मीन द थिक कार्विंग जी, तो उससे इसका साइज बढ़ जाएगा ऐसा? साइज नहीं बढ़ेगा, साइज तो आउटर बढ़ेगा ना सर। अच्छा, साइज तो रहेगा, मेन साइड तो सोफे का इनसाइड होता है। ओके, जो सिटिंग एरिया है। चलिए अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो हम पूछ लेते हैं, इसमें कौन सा फैब्रिक हमने यूज किया हुआ है जी सर? ये कौन सा फैब्रिक है? ये जो सीट पे जो लगा है ये लगा है वेलवेट, प्रिंट वेलवेट। अच्छा ठीक है, और ये जो बाकी प्लेन एरियाज में है वो स्वेड है? स्वेड वेलवेट है। ठीक है, डन। एक ब्यूटीफुल क्राउन है, और इसमें क्या कस्टमाइजेशन हो सकता है पॉलिश में? इसमें सर पॉलिशिंग में आप जो कलर चाहें, ये अभी हमने जो किया हुआ ये शैम्पियन कलर है, इसमें गोल्ड कलर हो सकता है। अच्छा, और ये वॉशेबल कलर है, इसके ऊपर आप गीले कपड़े से भी अगर इसको साफ करेंगे ना तो इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन रहेगी। ऑलराइट, ये हमारे प्रीमियम सेगमेंट का है, बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप खुद बना रहे हैं, खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग है जी सर। टू मैच विद विद एंटायर सेटअप वी हैव अ डाइनिंग टेबल आल्सो विद अस, सिक्स चेयर्स का है, फोर लेग चेयर है ना जी सर? जी। ओके, बताइए मुझे इसमें क्या साइज है डाइनिंग टेबल का? ये डाइनिंग साइज है सर 6 फीट बाय 3 फीट। ओके, 5.5 फीट बनाते हैं वैसे लोग ज्यादातर, लेकिन आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया सर, इसलिए बनाया ना कि ये जो हैवी लेग है ना, 5.5 में ये लेग अगर आएगा तो अंदर स्पेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा आगे ले गए इसको। हाँ, पीपल शुड रियलाइज दिस, लोगों को पता होना चाहिए, इसी चीज की नॉलेज हम एक्चुअली शेयर कोशिश करते हैं हमारे व्यूअर्स को देने की। सेम क्राउन है जो हमने सोफास के साथ बनाया, राइट? ठीक है, डन, वेरी नाइस। इसमें हमारे पास फैब्रिक ऑप्शंस में कितने हैं? फैब्रिक में सिर्फ सर 10 कलर है, 10 कलर इसके अंदर, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, बेज, पर्पल, एनी कलर, कॉफी कलर, ब्राउन कलर, कुछ भी ले सकते हैं। ऑलराइट, डन। ये इनले वर्क है टॉप के ऊपर, ये और किस चीज का है? मार्बल है, ये कंपोजिट मार्बल है सर, इसमें सब इनले वर्क हुआ है, ब्रास इनले वर्क हुआ है। ठीक है, ब्रास इनले वर्क के बाद इसके ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश की गई है जिससे इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आते। ठीक है, डन। ये क्या प्राइस रेंज है इसका पूरा कंप्लीट? ये सर कंप्लीट सेट पड़ता है 1,10,000। ठीक है, डन। एक ये डिफरेंट टेबल है, सेम डिजाइन है? सेम डिजाइन है, सेम टेबल का साइज भी सेम है, साइज सेम है, मटेरियल सेम है, सिर्फ जो ऊपर का टॉप है ये सेम कंपोजिट मार्बल है जो आपको इसमें दिखाया, बट इसमें कोई इनले वर्क नहीं है, विदाउट पॉलिस्टर पॉलिश है। ठीक है, इसका प्राइस, इसके साथ अगर सेम चेयर लगा देंगे, ये सेम चेयर इसके साथ अगर लगाएंगे, कुछ लोग क्या होता है मैट फिनिश पसंद करते हैं, अच्छा, कुछ लोग ग्लॉस फिनिश पसंद करते हैं। ओके, तो दिस टॉप इज विद ग्लॉस फिनिश एंड दिस इज मैट फिनिश। आई एम अट्रैक्टेड टू दीज चेयर्स, ये दो खूबसूरत चेयर हैं, एक्सन चेयर हैं क्या ये? जी सर। ये भी रेजन में है या वुड में? नहीं, ये वुड में सर। ओके, ये सॉलिड वुड है। ऑलराइट, तो जैसा हम देख रहे हैं आप सॉलिड वुड में भी डील कर पाते हैं। अब ये देखिए, ये महीन कार्विंग है जी, ये इम्बोज की कार्विंग है, जो हम सोफे में दिखाया वो इम्बोज नहीं है, ये इम्बोज वर्क है, वो इंट्रिकेट है जी। इसके अंदर हम जैसे इल्ले भरते हैं, इल्ले की भराई होती है, वैसे हम भराई कर सकते हैं इसके अंदर। ओके ठीक है, अब हम बात करें इसकी, पहले जो हमने सोफा देखा था उसमें सिंगल क्राउन था, इसमें रनिंग है पूरा पैटर्न और बीच में एक क्राउन है। हाँ जी, राइट। इसका हमारे पास एक थ्री सीटर है, चेस्टरफील्ड का, इसमें स्वेट लगा है पीछे, पैटर्न सेम है सर, थ्री सीटर, टू सीटर, टू सीटर। अगर आप इसमें सिंगल सीट चाहेंगे सिंगल सीट भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, डन। और इसका जो सेंटर टेबल है वो स्क्वायर शेप में है। हाँ जी, स्क्वायर शेप है। तो चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। जो लोग, इसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है जी सर, डार्क शेड में है ये जी सर। जी बताइए। ये भी सर जो आपने पहले देखा वैसे ही है सेम, सिर्फ इसमें फैब्रिक चेंज किया हमने। इसका फैब्रिक जो है थोड़ा सा हमने क्राउन लुक दिए। ये कस्टमाइज फैब्रिक है इसमें जी, ये किसी कस्टमर ने ही बनवाया, ये 3+2+2 सेंटर टेबल विथ 2 साइड टेबल, तो ये सर
डिज़ाइन हमारा वो ये कस्टमर ने बोला कि हमें इस टाइप का कुछ फैब्रिक दिखाइए, जैसे कोई क्राउन हो किंग स्टाइल में। अच्छा। तो ये हमने उनको दिखाया, तो उनको फैब्रिक अच्छा लगा ये। इसमें आप ध्यान से देखें तो सीट पे ना क्राउन बना हुआ है। एग्जैक्टली, डेकोरेशन में भी क्राउन है। हाँ, थोड़ा रॉयल लुक देने के लिए। आप कोई थीम चाहते हो, आप भी अगर किसी को घर पे कुछ और टाइप का अगर कुछ करवाना है तो उस पैटर्न के भी हमारे पास फैब्रिक आते हैं। आप किंग साइज के हिसाब से बनवाइए चाहे। ठीक है, डन। इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप कलर चेंज करेंगे पूरा का पूरा लुक और फील उसका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज, तो आप अपने कलर स्कीम के देखो, कपड़ों से ही तो लुक चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, फैब्रिक उसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेंज करते हैं। ठीक बात। अब बहुत दिन से हम देख रहे थे सिंगल सीटर, इसका हमारे पास सिंगल सीटर भी है। वी हैव नेवर सीन दिस बिफोर। आप देखें कि सिंगल सीटर भी मिल जाएंगे इसके, बहुत कम दिखाई देते हैं सर इसके सिंगल सीटर। इसमें हमारे हाई बैक भी चेयर्स बन रही है सेम। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हम रॉ में देख रहे थे। जी जी हाँ, सेम वही रॉ। ओके ठीक है। उसका फैब्रिक अभी लगा नहीं है इसलिए वो डिस्प्ले में नहीं आ पाया जी। ये पॉलिश का दूसरा वेरिएशन है जी सर, ब्राउन कलर में जी। ये वॉलनट पॉलिश है सर, हाई ग्लॉस वॉलनट पॉलिश है। इसके ऊपर हमने पीयू डाला हुआ, पीयू पॉलिश। अच्छा, पीयू पॉलिश होती है सर जो इसकी चमक आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर पीयू डाला हुआ। अच्छा, इसका जो वुड स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, सिर्फ डिजाइन फर्क है। तो वी हैव सीन टू कलर वेरिएशंस, वी हैव सीन स्टील, वी हैव सीन शैम्पेन आल्सो, नाउ दिस इज द थर्ड वन। नहीं, ये अगर आप कस्टमर चाहेगा कि हमें कलर कुछ और चाहिए, इसमें शैम्पेन कलर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, शैम्पेन में ये कलर शिफ्ट हो सकता है। फैब्रिक अगर ये चाहते हैं कि आप शैम्पेन के साथ चाहे तो ये शैम्पेन के साथ ये फैब्रिक हम कर सकते हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये ज्वेलरी हम इसको टैग करते हैं ज्वेलरी फर्नीचर जी सर। ये आपके घर की ज्वेलरी है, दिस एड्स लॉट ऑफ वैल्यू इन केस यू वांट टू मेक अ रॉयल रिच होम जी। बिल्कुल, जैसे इट्स लाइक अ पैलेस जैसा आप बनाना चाहते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही। सो यू कैन गो फॉर दिस। ये इतना लाउड भी नहीं है, जनरली अगर आप देखें तो कार्विंग फर्नीचर जो है पर ये थोड़ा लाउड होते हैं। हां, थोड़ा इसमें हमने चेस्टर फील्ड किया, बैक में ना चेस्ट डिजाइन दिया है जी इस टाइप का। ये आप ध्यान से देखिए ये चीज। उन सोफे में ये बैक प्लेन थी जी, इसमें हमने ये चेस्टरफील्ड विद प्लीट जी सर जी डन। और यहाँ पे सिंगल माउंड है और हाँ, दो हैं यहाँ पे, हमने छोटे क्राउन दिए हैं जी सर, जी सर। और बहुत कर्वेशियस फॉर्म में है ये हाँ। और वेरी रॉयल, बहुत अच्छा है ये, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कि अगर ये फिनिश देखिए सर, पूरा का पूरा फॉर्म लगा है, पूरा 2 इंची थिकनेस फॉर्म है। और ज्यादातर लोगों का ये आर्म्स ही डैमेज होता है। ओह, यहाँ से टूट जाता होगा। टूट भी जाता है कई बार, क्या होता है दो लोग यहाँ बैठे तो तीसरा आदमी इसके ऊपर बैठ जाता है आके। हाँ, तो एज ए कुशन ना सीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली वो थोड़ा डिसबैलेंस होगा। हाँ, कोई बच्चा बैठ जाता है कुछ होता है तो ये फॉर्म, कई लोग क्या होता है इस पर ध्यान नहीं देते, वो लोग हल्का मटेरियल यूज करते हैं हैंडल में, तो हम लोग प्रॉपर ये फॉर्म लगा के रखते हैं। एक बार और मैंने एक्सपीरियंस किया, दिखने में ऐसा था द मोमेंट यू स्टार्ट प्रेसिंग इट तो आपको अंदर ना वुड फील होती है, वुड फील है उसके ऊपर। उन्होंने फॉर्मिंग की ही नहीं है, फॉर्मिंग कम होती है इसके लिए। वो फॉर्मिंग की ही नहीं है, कहीं पर वो बैठेंगे तो वो और जो अगर फॉर्मिंग यूज की है वो एलडी यूज की है। अच्छा, एलडी मतलब लो डेंसिटी। अच्छा, उसके अंदर दम ही नहीं होगा तो वो क्या रुकेगी वहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है। आई एम इन लव विद दिस पीस, मुझे सबसे अच्छा ये लगा, हालांकि और भी डिजाइन बहुत अच्छे हैं जी। बिकॉज दिस इज वेरी नाइस एंड बिल्कुल ये डिट्टो ऐसा लगता है जैसे वुड के अंदर कार्विंग की हो जी सर। और ये थोड़ा सा महीन कार्विंग है। हाँ, बहुत अच्छा है, इसकी पॉलिश भी बहुत अच्छी है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इसका वर्कमैनशिप भी बहुत अच्छा है जी सर। और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छे यूज किया है। बिल्कुल, हमने मैट फिनिश का फैब्रिक यूज किया सर, इसमें हाई ग्लॉस कुछ भी नहीं है, पॉलिशिंग भी देखो तो बहुत ज्यादा चमक नहीं है। बिल्कुल सर, इसका सिंगल सीटर कैसे बनेगा क्योंकि इसके बैक में दो सिंगल सीट भी है सर, अभी है नहीं, बन जाएगा सिंगल सीट इसका। फिर हम कैसे मैनेज करेंगे उसमें? तो वो सर जो हमारी बैक है ना सर, बैक ही रिड्यूस होती है सर। अच्छा, कम हो जाएगी। डिजाइन सेम आएगा, जो सेंटर में आप देख रहे हैं अपने वो थोड़ा कम हो जाएगा सर। अब जैसे 3 के अकॉर्डिंग आप 2 देखिए, थोड़ा कम है सेंटर में। राइट। अच्छा, उसका जो डेप्थ है वो जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ लाउंजर भी देखिए कितना खूबसूरत है ये। क्या ये इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो, सेंटर टेबल, डिवाइडर। अगर आप चाहो कि सेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 सीटर सोफा ही चाहिए तो 2 सीटर सोफा भी आप ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, डन। और कुछ भी आप कलर चेंज करवा सकते हैं। ये वाली चेयर कौन से सेट के साथ मैच होती है? ये सर डिफरेंट है सर, ये चलती है सर हाई लेटर चेयर होती है सर, जिसकी वॉल जिनकी वॉल प्लेन आती है उसके सर ये हाई लेटर यूज होती है। अच्छा, इसको आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में, लॉबी में जी, कहीं भी। ओके, ये